तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को पता है कि इन दो लड़कों का नाम क्या है जो कि नोबिता के दोस्त हैं? तो इन दोनों में इस मोटे वाले का नाम है हारुओ और इस टोपी पहनने वाले का नाम है यासुओ। तो सिनसेन के डैड का 32 साल का लोन है और वो बहुत गरीब है ना? लेकिन इन्होंने 3 बार कार खरीदा है। पहले तो ये नीले वाला और फिर ये हरे वाला और फिर ये बड़े वाला, लेकिन फिर भी ये बहुत गरीब है। लेकिन सिजुका के डैड बहुत बार बदल चुके हैं, कुछ 4 बार बदल चुके हैं। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले सिजुका की डैड की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिक्स कैरेक्टर नहीं रखा। और पहले एनिमेशन करना बहुत हार्ड था, एनिमेटर्स को अपने हाथ से ड्रॉ करना पड़ता था और एक ही कैरेक्टर को बार बार ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर अब स्टैंड बाय मी में सिजुका के डैड एक मेन कैरेक्टर थे और कुछ एपिसोड में भी इन्हें ऐसा ही दिखाया गया था, तो शायद अब इनका कैरेक्टर फिक्स हो गया है। पर पहले तो बहुत सारे एपिसोड में मिचेन को ऐसा दिखाया गया था, लेकिन अब मिचेन को क्या हो गया? क्या ये मिचेन 2 है? क्या पहली वाली मिचेन किसी और बिल्ले के साथ भाग गई? हो सकता है, क्योंकि मिचेन तो अब ग्रे से सफेद हो गई। इस बिल्ले के पास तो कुछ काम धंधा है नहीं, डोरा के खा खा कर सिर्फ कॉमिक बुक ही पढ़ता रहता है, अलग अलग बिल्लियों को बताता रहता है। अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन अब तो डोरेमोन का घर भी बदल चुका है, पहले कुछ ऐसा था और अब ऐसा बन गया है। क्या डोरेमोन का घर बदलने के लिए ही मिचेन भाग गई और एक नई बिल्ली आ गई? शायद मिचेन का नाम बहुत फेमस है, इसलिए इस बिल्ली ने कॉपी कर लिया। और सिनसेन के दोस्तों के मॉम का नाम क्या है? तो हमारे तोरू कजामा की मॉम का नाम है मिनेको कजामा, और हमारे दरपोक से मसाओ की मॉम का नाम है एकासुकी सातो, और हमारी बिग बॉस की फैन नैनी की मॉम का नाम है मोको साकुरादा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही।